अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कोविड-19 पर उर्दू में मज़मून यानी कि ऐसे कैसे लिखा जाता है, और उसके साथ साथ आपको इस वीडियो में ये भी मालूम चलेगा कि किसी भी टॉपिक पर कैसे मज़मून लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहला बात, कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि कोविड क्या है और 19 क्या है, तो चलिए समझते हैं। 2003 में कोरोना वायरस आया था जिसका नाम था SARS। ठीक है, फिर 2019 में आया चाइना के वुहान से जिसका नाम हो गया SARS-CoV-2। शॉर्टकट में कोरोना वायरस लिख दी हूँ, SARS-CoV-2। और इससे जो बीमारी हुई उसका नाम रख दिया गया कोरोना वायरस डिजीज। ठीक है, और इस SARS-CoV-2 से कौन सी बीमारी हुई, कोरोना वायरस डिजीज, और इसी को शॉर्टकट में बोलते हैं कोविड-19। कैसे, कोरोना का CO यहाँ पर और वायरस का VI और डिजीज का D, तो कोविड हो गया। और 19 क्यों, क्योंकि ये 2019 में आया था इसीलिए 19। ठीक है, तो कोरोना वायरस का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, कोविड-19। अब हम देख लेते हैं कैसे मज़मून लिखा जाता है। देखिए, किसी भी टॉपिक पर मज़मून लिखने के लिए उसके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और कोविड-19 के बारे में मैं बता दी। और यहाँ पर एक और बात ध्यान रखने वाली है कि कोविड-19 एक बीमारी है जो कि कोरोना वायरस से होती है। कोरोना वायरस तो वायरस है, लेकिन कोविड-19 क्या है, एक बीमारी है जो कि कोरोना वायरस से होती है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब मैं बोर्ड पर कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी के बारे में मज़मून लिखकर और फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले से ही कोविड-19 पर मज़मून लिख दी हूँ, ताकि आपका वक्त बचे, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज कर आप कॉपी पर लिख लीजिए। देखिए, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि किसी भी टॉपिक पर कैसे मज़मून लिखा जाता है। किसी भी टॉपिक पर मज़मून यानी कि ऐसे लिखने के लिए उस टॉपिक के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तभी, और उसी बेसिक नॉलेज को, उस बातों को सजा कर लिख देना ही मज़मून कहलाता है, ऐसे कहलाता है, यानी कि हिंदी में बोला जाता है निबंध, यानी कि किसी टॉपिक के बारे में उस बातों को सजा कर लिख देना मज़मून कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, मैं कोविड-19 पर मज़मून लिख दी हूँ। देखिए, कोरोना वायरस को हम आम तौर पर कोविड-19 भी कहते हैं। जिस शख्स को कोरोना होता है उसे सर्दी, जुखाम और सांस लेने जैसी परेशानी हो सकती है। यह बीमारी एक आम वायरस जिसे कोरोना वायरस कहते हैं से होता है। यह वायरस सांस लेने के ज़रिए से किसी भी शख्स के फेफड़े तक पहुँच कर सांस लेने की बीमारी पैदा करता है, जिससे उस शख्स को सांस लेने में तकलीफ़, बुखार, नाक बहना, गले में खराश, सर्दी और जुखाम जैसी परेशानी होती है। जिस भी शख्स को कोरोना होता है तो उस शख्स से वायरस दूसरे शख्स में बहुत तेज़ी से फैलता है, इसीलिए इस बीमारी को लेकर बहुत ही ज़्यादा एहतियात रखी जा रही है। एहतियात रखना मतलब सावधानी। इसकी शुरुआत चीन के वुहान शहर से दिसंबर 2019 से हुआ और पूरी दुनिया में फैल गया, जिससे यह पूरी दुनिया के लिए आलमी वबा साबित हुआ। आलमी वबा का मतलब होता है महामारी साबित हुआ। ठीक है, चीन से निकलने वाली यह बीमारी, यह वबा यानी कि यह महामारी ऐसी सूरत इख्तियार कर लेगी ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। इस वबा ने पूरी दुनिया में लाखों अफराद की जानें ली, जिसकी खौफ से पूरी दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। यह बीमारी से बचाव के लिए कुछ एहतियात तदाबीर करना ज़रूरी है, जैसे सामाजिक दूरी हाथों से जैसे कि सामाजिक दूरी रखना हो जाए सामाजिक दूरी बनाए रखना, हाथों को बार बार धोना और सफाई का पूरा ध्यान रखना, मास्क का इस्तेमाल करना, चेहरा और आँखों पर हाथों से बार बार हाथों से नहीं छूना। ठीक है, छींकते या खांसते वक्त अपनी नाक और मुंह को टिशू या रुमाल से ढकना, हाथों को बार बार साबुन और सैनिटाइज़र से धोना और बाकायदा जांच करवाना और दवा लेते रहना, और इन सभी एहतियात की तदाबीर करके आप कोरोना वायरस बीमारी से बचा जा सकता है। ये हो गया आपका
COVID-19 पर मजमून, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगर ये एग्ज़ाम में पूछता है COVID-19 पर, आप अच्छे से लिखिएगा, आपको 10 में से 10 नंबर मिलेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।